वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे चमत्कारी टोटके और असरदार उपाय। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की रोचक जानकारी लाते रहेंगे और आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किन्नरों की भी होती है शादी और उनकी शादी का ये सच जानकर आप रह जाएंगे दंग। चौंकिए मत, वास्तव में किन्नर भी आपकी और हमारी तरह आम इंसान होते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखने का समाज का नजरिया काफी बुरा हो चुका है। समाज में उनको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है तथा उनका सम्मान उनको नहीं मिलता। इसी भेदभाव की वजह से उनकी जिंदगी आम इंसान की जिंदगी से काफी अलग हो चुकी है। किन्नरों की जिंदगी से जुड़ी ऐसी काफी बातें हैं जो हमें नहीं पता, चाहे वो उनकी उत्पत्ति के बारे में हो या फिर शादी ब्याह के बारे में। ऐसा माना जाता है कि किन्नर अपनी सारी जिंदगी अविवाहित रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। किन्नरों की भी शादी होती है तथा उन्हें भी किसी की दुल्हन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किन्नरों से शादी कौन करता होगा। किन्नरों की शादी आम इंसान से नहीं बल्कि उन्हीं के भगवान से होती है। किन्नरों की शादी होती है जिसमें उन्हें एक रात आगन बनने का सुख मिलता है तथा दूसरे ही दिन पुनः विधवा हो जाती हैं। किन्नरों के भगवान माने जाने वाले इरावन धनुर्धारी अर्जुन और नाग कन्या के पुत्र हैं। वे किन्नरों के भगवान कैसे बने, इसका स्पष्ट उल्लेख महाभारत में किया गया है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने मां काली को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें किसी युवराज की बलि दी जानी थी। काफी मशक्कत के बाद जब कोई भी बलि देने सामने नहीं आया, तब इरावन खुद ही आगे आए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो बलि पर तभी चढ़ेंगे जब उनकी शादी होगी। चूंकि उनकी मृत्यु अटल थी, इस भय के कारण कोई भी कन्या उनसे शादी करने को राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो अगले ही दिन विधवा हो जाएगी। इस समस्या का समाधान निकाल के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगे आए। उन्होंने मोहिनी का रूप लेकर इरावन के साथ ब्याह रचा लिया। शर्त के मुताबिक अगले ही दिन इरावन की बलि दे दी गई और मोहिनी रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण विधवा हो गए। श्री कृष्ण ने काफी विलाप भी किया मोहिनी के रूप में तथा विधवा रूप धारण करके सारी रीति रिवाजों का पालन किया। इस घटना के बाद से किन्नर इरावन को अपना भगवान मानने लगे। तमिलनाडु के कूप गांव में हर साल तमिल वर्ष के प्रथम पूर्णिमा के दिन किन्नरों की शादी का उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव 18 दिन तक बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रोचक वीडियो। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जुड़े रहे चमत्कारी टोटके के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।